आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दो। एक हमारे ट्रू सोल्जर के ऊपर था क्या भिख मंगा पूरा मंगा पर घंटे बैठ के आया मतलब मेरी पूरी कमर की पूरी वाट लग चुकी है। हे फॉर्मल फैमिली, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फॉर्मल लड़का। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं रेलवे स्टेशन से। अभी का प्लान ऐसे है कि अभी हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। अभी करंटली हम लोग शालीमार में हैं और शालीमार से हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अब हम पहुंचेंगे करीब रात को 2:20 पे। और जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करने वाले हैं वो ट्रेन ठीक मेरे पीछे है, श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस। और एक बार यहाँ के प्लेटफॉर्म पर नज़र डालो क्योंकि ये जो शालीमार स्टेशन है ना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं। मतलब आप अगर हावड़ा स्टेशन में जाओगे वहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम है। देखना यहाँ पे यहाँ का भीड़ है कैसा। वह एक्चुअली यहाँ पे कोई है नहीं। ये जो श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस है ना ये सीधा डायरेक्ट पुरी जा रही है शालीमार से और अपने को भुवनेश्वर उतरना है। फिर पुरी तो पता ही है, वो एक धाम है, एक्चुअली वो एक मंदिर है, ठीक है। तो अभी हम निकलते, अभी हमारा जो सीट नंबर है वो D2 में 24 सीट नंबर है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे क्योंकि अभी लेट होने वाला है और ऑलमोस्ट ट्रेन अभी खुलने वाला है। अपना सीट था D2 में सीट नंबर 24। एंड एक बात और, ट्रेन में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है नहीं, तो फिर मैं ट्रेन में इतना ज़्यादा ब्लॉक करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपना फ़ोन का बैटरी सेव करना है अभी, ताकि हम आगे ब्लॉक करें। अभी का सीन ऐसा है कि हम आ चुके हैं भुवनेश्वर और अभी टाइम हो रहा है 3:20। सामने डिस्प्ले बोर्ड है एंड अभी हमारी जो सेकंड ट्रेन है जो हमें डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगी वो सुबह 5:20 पे आएगी, यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और एक बात और, अगर ट्रेन में आते हो तो जनरल में कभी भी ट्रैवल नहीं करने का। मैं 7 घंटे बैठ के आया मतलब मेरी पूरी कमर की पूरी वाट लग चुकी है, तो जनरल में तो कभी आना ही मत, ठीक है। वो तो मेरी मजबूरी थी तो मुझे जनरल में आना पड़ा, वरना मैं स्लीपर में आता। और अभी भुवनेश्वर से जो डेस्टिनी की तरफ जो ट्रेन है उसमें मेरा टिकट है स्लीपर में, तो उस पर तो बस एकदम आराम से फाड़ के सो के जाएंगे। पर अभी का प्लान ये है कि मैं जाऊंगा, ब्रश करूंगा और कुछ नाश्ता करके रेस्ट करेंगे और फ़ोन को चार्ज करेंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी का प्लान ये है कि हम लोग अपने डेस्टिनी पहुंचते हो गए। डेस्टिनी ये रूम डेस्टिनी नहीं है, डेस्टिनी मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग जो सिटी है ना इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे सामने जो भी व्यू है ना ये व्यू देखने लायक है। ये जो व्यू है ना पूरा ये पूरा ये मेरे ख्याल से वो जो सामने है ना वो वाला चीज़ वो आंध्र यूनिवर्सिटी का आई थिंक हॉस्टल है वो आंध्र यूनिवर्सिटी का बस। और यहाँ से माउंटेन्स भी दिखा देते हैं। और अभी तो फिलहाल मैं जाता हूँ, अभी नहा के फ्रेश होके अभी फिर मैं एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा। उसके बाद शाम को अपने दो और दोस्त आने वाले हैं, फिर मैं सबसे आपको एक ही करके मैं मिलाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा शाम को। गुड इवनिंग फ्रॉम विशाखापट्टनम। अभी हम लोग इस वक्त विशाखापट्टनम में हैं एंड अभी टाइम हो रहा है रात के 10:08 और अभी हम लोग इस वक्त आर के बीच पे ठीक मेरे पीछे बीच है। और मैं आपसे मिलवाने की जिनसे मैं बात कर रहा था वो मेरे दोस्त है, वो अभी आ चुके, आपको हम एक एक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहले इनसे मिलवाते हैं, ये है अपने सोनू जिसके रूम में अभी हम स्टे करने वाले हैं। हाय पब्लिक। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये पांडे जी। हाय पब्लिक, कहते हो बस इतने ही थे हम जो ट्रिप में हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं वाइज़ाग को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये मेरे दो फ्रेंड्स जो आगे आगे जा रहे हैं और ये आपके चहीते द फॉर्मल लड़का जो मेरे साथ है। तो हमारा भी प्लान है एक्चुअली मूवी देखने का। तो मजाक एक तरफ, मतलब
जो मजे दोस्तों के साथ आता है वो मजा कहीं नहीं मिलता। और ये भी हम आपको नवडल का नज़ारा दिखाते हैं। जा नहीं सकते, नज़ारे दिखा सकते हैं बस। ये बात सही है, जा नहीं सकते सर, नज़ारा दिखा सकते हैं हम आपको नवडल का। देख लो नवडल ये ऐसे इतना बड़ा है। अभी हम जिस रोड में है, ये सुनो इस रोड का नाम क्या है? ये मंगापुरम कॉलोनी। इस रोड का नाम क्या नाम है? मंगापुरम कॉलोनी। इसका क्या नाम क्या है इस जगह का? मंगापुरम कॉलोनी। पता नहीं, मंगापुरम कॉलोनी क्या बिग मंगापुरम मंगापुरम में अब पता नहीं यार क्या नाम है। देखो सुनो, यहाँ का लोकल है इसलिए उसको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है यहाँ का। ठीक है चलते हैं, मिलते हैं आगे और क्या क्या है दिखाते हैं यार। इतने इतना चढ़ने में पसीना आ गया मेरे को। हाय, इन दोनों बच्चे से मिल लो, दोनों दिखने में तो बहुत क्यूट है, खुद ही आप लोग देख लो। हाय, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दो। आपका नाम? यतीन। आपका? उदय। सही यार। और चलो आपको चैनल का नाम जानना है ना, यूट्यूब पे जाके द फॉर्मल लड़का सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको द फॉर्मल लड़का। ठीक है फॉर्मल लड़का। हाँ चलो, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट छोटे, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई देखो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम बॉक्स ऑफिस आए हैं यहाँ पे मूवी देखने के लिए। हम तीन हैं और सोनू भी है। मूवी का नाम क्या? मेजर। मूवी देख के आते हैं फिर हम आपको रिव्यू देते हैं मूवी कैसा है। ठीक है राकेश, आपका मूवी का रिव्यू बताइए, कैसा लगा आपको मूवी? मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर हीरो की जो एक्टिंग है बहुत अच्छा लगा, उसका बाप का एक्टिंग अच्छा नहीं लगा बस। और कुछ बोलना चाहेंगे मूवी के बारे? मूवी काफ़ी इंस्पिरेशनल था, एक हमारे ट्रू सोल्जर के ऊपर था, हमें उन्हें याद करना चाहिए। आप क्या बताना चाहेंगे संजीत मूवी के बारे? बोलना तो बहुत कुछ है अभी नहीं, बहुत इंस्पिरेशन मूवी था। मेरा भी एक टाइम था कि मुझे भी मेरा भी सपना था कि मैं भी एक आर्मी ज्वाइन करूंगा, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो फॉर्चुनेट हो गया। इससे ज्यादा जब यूट्यूबर बनना था तो फिर मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करने वाला हूं मैं। दोस्तों हम कुछ देर में बस यहां से निकलेंगे, वरना रात भर हमें पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ेगी। अभी रात के 150 हो रहे हैं और हम लोग जस्ट अभी ये मूवी देख के आए हैं। मूवी बहुत ही बढ़िया था यार, अगर कोई आर्मी लवर है मैं इस मूवी को रिकमेंड करूंगा। मूवी का नाम है मेजर। एंड अभी व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी करो दिल से करो, मिलते हैं कल। जो भी करो, अबे साथ में बोलो बे, चलो बोलना है। जो भी करो।